एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अभी की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आई है यूपी पंचायत चुनाव से। आपको बता दें, बैंक का उधार है तो नहीं लड़ पाएंगे ग्राम प्रधान इलेक्शन। जानिए क्या है नया नियम। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो आपसे गुजारिश है वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक देखिएगा ताकि आपको मिल सके पूरी जानकारी। और पंचायत चुनाव की रोजाना लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए जान लेते हैं क्या है आज की खबर। पंचायत चुनाव लड़ने वालों को इस बार सहकारी बैंक समितियों का उधार भी चुकाना होगा, क्योंकि पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिल के साथ उम्मीदवारों को पहली बार सहकारी बैंक या सहकारी समिति का नोटिस आदेय प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। जिलाधिकारी इस बार बाबत एक आदेश डीपीआरओ व सभी वीडियो को भेजा है। रद्द हो सकता है नामांकन। सहकारी बैंक की समिति के नोटिस नहीं लगा तो चुनाव लड़ने में मुश्किल होगी। नोटिस न लगाने वालों को नामांकन रद्द हो सकता है। डीसीडी और सुभाष कुमार ने बताते हैं कि सभी ब्लॉकों को पत्र जारी कर दिया गया है। वह नामांकन के साथ उम्मीदवारों को सहकारिता का नोटिस लेना सुनिश्चित करें। वह बताते हैं कि चुनाव लड़ने वालों पर पंचायत के कर अलावा के अन्य बकाया नहीं होनी चाहिए। इसी धारा के तहत सहकारिता का नोटिस भी चुनाव लड़ने वालों को लगाने का कहा गया है। नो नोटिस नहीं लगाने पर दिक्कत होगी, नामांकन रद्द भी हो सकता है। अभी तक पंचायत चुनाव लड़ने वालों को नामांकन दाखिल के दौरान नामांकन पत्र के साथ ग्राम पंचायत व जिला पंचायत के नोटिस लगाना पड़ता है। इससे ये पता चलता है कि प्रत्याशी के ऊपर पंचायत का कोई बकाया नहीं है। पंचायतों में पंचायत कर व जल कर के लिए भी ये नोटिस होता है। इसी तरह से अब की बार प्रधान बीडीसी डीडीसी व अन्य पदों पर चुनाव लड़ने वालों को सहकारी बैंक समितियों से नो नोटिस लेना होगा, जो अभी तक नहीं लगता था। इस तरह ऋण की वसूली भी होगी। राजधानी में सहकारी ग्राम विकास बैंक जिला सहकारी बैंक से वित्त पोषित सहकारी समितियों से ऋण वितरण की वसूली की स्थिति बहुत खराब है। इस कारण एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट खातों की संख्या बढ़ती जा रही है। पंचायत चुनाव में बड़े बकायेदारों उनके वारिसान और सहभागीदारियों को पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। इसे देखते हुए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को सहकारी बैंक की सहकारी समितियों से नो नोटिस आदेय प्रमाण पत्र लगाने को कहा गया है। 33,000 बकायेदार। राजधानी में 33,000 से अधिक ग्रामीण जिला सहकारी बैंक व सहकारी समितियों के बकायेदार हैं। इन पर करीब 37.63 करोड़ की देनदारी है। ये ऋण कृषि कार्य के लिए लिया गया था। दूसरी खबर आपको बताते चले, आरक्षण का गणित बदलते ही बदल गए दावेदार। दुआ सलाम दावतों का दौर भी हुआ बंद। आरक्षण की गणित बदलते ही सैकड़ों की संख्या में प्रधानी व दावेदारों के तेवर भी बदल गए हैं। पंचायत चुनाव में प्रधान व आरक्षण की प्रक्रिया अभी तक चल रही है, मगर ज्यादातर ब्लॉकों में तस्वीर तकरीबन साफ हो चुकी है। कोई न कोई जुगाड़ लगाकर गांव किस वर्ग के लिए आरक्षित हो रहा है, कई दावेदारों ने इसकी जानकारी भी हासिल कर ली है। इसी के साथ गोरखपुर जिले के कई पंचायतों में प्रधानी की कुर्सी को लेकर पिछले साल हुए गरमाए माहौल को रुख बदलता जा रहा है। तमाम दावेदार निराश होकर घर बैठ गए हैं तो गांव के मंदिरों चबूतरों और चौराहों का माहौल अचानक बदल गया है। अब आरक्षण के मुताबिक नए दावेदार सामने आ रहे हैं, ऐसे में फिर से माहौल बनने का थोड़ा समय लगने की उम्मीद जताई जा रही है। आरक्षण बदलते ही आस में लगा रहे चक्कर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दावेदारी कर रहे कई दावेदारों का खेल आरक्षण के चलते बिगड़ने वाला है। लंबे समय से मतदाताओं को रिझाने के चक्कर में कई दावेदार बड़ी पूंजी खर्च कर चुके हैं। अब आरक्षण के फेर में पूंजी डूबती लग रही है तो मन मुताबिक सीट तय करवाने के लिए तमाम नेताओं पंचायती राज दफ्तरों से लेकर लखनऊ तक के चक्कर लगा रहे हैं। जिले स्तर पर चल रही आरक्षण प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए लोगों को उम्मीद बनी हुई है कहीं से जुगाड़ लगाकर सीट मनमाफिक कराई जा सकती है। हालांकि किसी की दाल फिलहाल गलने वाली नहीं है। दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और रोजाना पंचायत चुनाव की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।